विज्ञान जगत में एक ऐसी रिसर्च हुई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक एल्सिन विल्सन ने दावा किया है कि मौत के एक साल बाद तक इंसान के शरीर में हलचल रहती है। विल्सन का यह बयान कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये बात उन्होंने करीब 3 साल की लंबी रिसर्च के बाद कही है। इस रिसर्च के बाद एल्सिन ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पूरी रिसर्च टीम लगा रखी थी जो इंसानों के हर गतिविधि को कैमरे में कैप्चर कर रही थी। एलिसन विल्सन ने इंसान की मौत के बाद बेजान हो चुके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। एलिसन ने कहा कि मरने के बाद भी इंसान के शरीर में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। एलिसन ने अपने रिसर्च में पाया कि मरने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब मृत शरीर के दोनों हाथ शरीर की तरफ आने लगते हैं। इसके अलावा शरीर के सड़ने के साथ ही इंसान के शरीर की स्थिति में कई बदलाव आते हैं। विल्सन ने 17 महीनों तक कई सारे शवों पर नजर रखते हुए इस रिसर्च को अंजाम दिया है। विल्सन ने बताया कि शव पर रिसर्च करने के लिए वो हर महीने 3 घंटे की फ्लाइट लेकर कैरेंस से सिडनी जाती थी। इंसान के शव के रिसर्च के लिए एल्सन विल्सन की टीम ने टाइम लैप्स कैमरे लगाए थे जो हर 30 मिनट पर शवों की तस्वीर लेते थे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस रिसर्च को भविष्य के लिए बहुत उपयोगी और कारगर बता रहे हैं। वैसे तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने आज तक कई कारगर खोजें की हैं, लेकिन एल्सिन विल्सन की ये खोज कई मायनों में इंसानी दुनिया के लिए बड़ा कदम बताई जा रही है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।